नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मटन। तो मटन बनाने की सामग्री, हम प्याज लिए हैं, एक पाव है, 50 ग्राम लहसुन है, मिर्च है, नमक है, हल्दी है, पोस्ता दाना है 2 चम्मच, इसको भिगा के रखे हैं, और ये 5 चम्मच धनिया लिए हैं, और ये तेल लिए हैं सरसों का, और थोड़ा सा ये गरम मसाला, शाही जीरा है, और बड़ी इलायची है, लौंग है, अदरक है, और चैली है, और इसको सभी मसाले को हम पीस लेंगे। प्याज लहसुन और गरम मसाला को हम पीस लेंगे। ये देखिए, हम इसमें तेल डाल चुके हैं, और आधा पाव तेल है। अब ये देखिए, थोड़ा थोड़ा गरम मसाला है, शाही जीरा है, चैली है, और 4 लौंग है। सभी मसाले को हम डाल देंगे इसमें। हम इसमें थोड़ा सा तेल में हल्दी डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब ये प्याज है, अब हम प्याज डाल दिए हैं। और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे 5 मिनट। अभी लहसुन डाल देंगे। और 2-4 खड़ी लहसुन है, इसको भी डाल देंगे, इससे स्वाद बढ़ता है। और गैस को हम स्लो ही रखेंगे, स्लो में पकाएंगे हम। ये धनिया भी डाल देंगे। ये धनिया को हम भिगा के रखे थे, इसको भी डाल देंगे। ये हल्दी डाल देंगे, हम थोड़ा सा डाले थे, बहुत ही कम डाले थे, 1 चम्मच हम हल्दी डाल देंगे। हम मिर्च डाल देंगे, मिर्च अपने हिसाब से लीजिएगा। और गैस को स्लो ही रखेंगे, और हम ढक देंगे, ढक के पकाएंगे इसको। अब हम इसको डाल देंगे मीट को, और गैस को स्लो रखेंगे। हम गैस को स्लो ही रखेंगे, और
साथ में ही इसको भून लेंगे। मसाला अभी हम नहीं भूंजे हैं क्योंकि मीट टाइम लगता है पकने में, इसलिए हम साथ में ही पकाएंगे। गैस को स्लो रखेंगे। इसमें नमक डाल देंगे। अपने हिसाब से नमक डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार। और नमक से पक भी जल्दी जाता है। और इसको हम ढक के पकाएंगे, गैस को स्लो ही रखेंगे। इसको ढक ढक के पकाएंगे हम, और कम से कम आधा घंटा इसको लगेगा बनने में। और ये पोस्ता दाना है, इसको भी डाल देंगे। और इसको भी हम भूंज लेंगे। ये देखिए हमारा मटन पक चुका है। और हम इसमें गरम मसाला, ये घर का है, हम पीसे हैं इसको, और इसकी महक बहुत ही अच्छी है। और इसको भी हम 5 मिनट चला लेंगे। 5 मिनट गरम मसाला भून जाए, बस रेडी है प्लेटिंग के लिए। तो दोस्तों ये बनकर तैयार है हमारा मटन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हमारी नई वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।